नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरें। आइए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन की हेडलाइंस पर। यूपी के बिजनौर में गन्ना किसानों का आंदोलन तेज, बकाया भुगतान के लिए रोकी रेल, चांदपुर तहसील और बीजेपी कार्यालय पर जड़ा ताला। अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर किसानों का धरना खत्म, हाईकोर्ट ने दिया था ट्रैक खाली करने का आदेश, 19 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। पीएम मोदी का कर्नाटक सरकार पर हमला, कुमारस्वामी सरकार को बताया किसान विरोधी, लगाया किसानों की सम्मान निधि रोकने का आरोप। बिहार के सुपौल में जंगली हाथी ने 3 को कुचला, 2 की मौके पर मौत, हाथी को पकड़ने में वन विभाग के छूटे पसीने। पंजाब के अमृतसर में 6 दिनों से चल रहा किसानों का धरना अब खत्म हो गया है। किसानों ने हाईकोर्ट के दखल के बाद ये कदम उठाया है। अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर चल रहा किसानों का धरना खत्म हो गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए किसानों को ये धरना खत्म करने का आदेश दिया है। किसानों के इस धरने से सीमा पर फौजियों तक साजो सामान पहुंचाने में मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि 34 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा था। कोई एसेंशियल सर्विस डिस्टर्ब नहीं होगी और कोई भी जो कम्युनिकेशन का जरिया है या जो ट्रांसपोर्ट का जरिया है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आज उन्हीं डायरेक्शंस को दोबारा कोर्ट ने इस याचिका में भी पास किया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगुवाई में किसान 1 मार्च से पूर्ण कर्ज माफी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने और गन्ने के 400 करोड़ रुपए बकाया भुगतान की मांग कर रहे थे। अब इस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल से 19 मार्च को अगली सुनवाई पर रिपोर्ट मांगी है। अगर उनकी डिमांड्स जेन्युइन है तो वो अपनी डिमांड्स एडवोकेट जनरल के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को पेश करें, और एडवोकेट जनरल साहब को कहा गया है कि एक रिपोर्ट पेश करेंगे कोर्ट में कि उनकी डिमांड में से कौन सी वो मंजूर करना चाहते हैं, कौन सी डिमांड मंजूर करने लायक हैं, कौन सी में मुश्किल है, तो वो रिपोर्ट दें। और किसानों ने केंद्र और पंजाब सरकारों पर रेलवे ट्रैक जाम करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। नहीं, आज असि जरा अपना धरना उठा लेंगे, कोर कमेटी की अगली मीटिंग ला के नाले असी देखांगे कि साडे मसलां दा इंप्लीमेंट होंदा। उस तो बाद जिहड़ी कोर कमेटी की मीटिंग जो फैसला होगा, जे ना सानू कोई इंसाफ मिलिया ते अगले संघर्ष दा तिखे संघर्ष दा ऐलान करांगे। अभी किसान भले ही धरने से हट गए हों, लेकिन मांगे पूरी ना होने पर दोबारा आंदोलन करने की बात भी कही है। सरकार जिम्मेवार सी, पंजाब दी ते केंद्र सरकार जिम्मेवार सी, जिन्हां ने सानू ट्रेनां रोकण वास्ते मजबूर कीता, क्योंकि साडी कोई सुनवाई नहीं कीती। साडियां मंगां जिहड़ी जेन्युइन आ, जिहड़ियां मन्नियां होईयां मंगां पंजाब सरकार ने, उहनां दा कोई हल नहीं कढ़िया। किसानों की मांगों पर एक बार फिर गेंद सरकार के पाले में है। ऐसे में अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो किसानों के फिर से सड़कों पर उतरने से इनकार नहीं किया जा सकता। अमृतसर से ईशा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। वहीं यूपी के बिजनौर में गन्ने के बकाए भुगतान को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसानों ने बुधवार को चांदपुर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली गढ़वाल एक्सप्रेस को रोक दिया। इतना ही नहीं, किसानों ने चांदपुर तहसील और बीजेपी के जिला कार्यालय के साथ चांदपुर से विधानसभा सदस्य कमलेश सैनी के घर पर ताला जड़ दिया। किसानों ने मंगलवार को वेब ग्रुप के शराब गोदाम को सील कर दिया था। भुगतान ना होने से नाराज किसानों ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। यहाँ की चांदपुर और बिजनौर चीनी मिलों पर किसानों का कुल 171 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें बीते साल का 62 करोड़ रुपए बकाया शामिल है। कितनी आत्महत्या और चाहती क्या जब जागेगी ये सरकार? एक मील मालिक ने कहीं आत्महत्या करी है? एक मील से चार चार मील लगी खड़ी है, ग्रुप बने खड़े हैं। सेठों की वफादार सरकार नहीं चुनी थी हमने तो सरकार चुनी थी, और ये गिरोह की सरदार लग रही है हम। ये लूट की छूट शुरू किसने कराई है? इस तरीके जो बकाया गन्ना मूल्य भुगतान अभी तक हमें नहीं मिला। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आबिद रजा जुड़ गए हैं। आबिद का सीधे रुख करते हैं। आबिद, ये बताइए, किसानों के इस कदम के बाद क्या सरकार और मिल प्रबंधन की तरफ से कोई कोशिश हो रही है? हाँ बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो बिजनौर में गन्ना किसान है वो बहुत ज्यादा परेशान है और वो प्रदर्शन करते हुए थक चुके हैं। अब उन्होंने आखिर में ये हथकंडा अपनाया है कि उन्होंने जो वे ग्रुप
की जो शराब गोदाम है उनको सील करना शुरू किया, उनके और कारोबार है उनसे उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया ताकि ये मिल मालिक जो है वो दबाव में आए और किसानों का भुगतान के लिए कोई तैयारी करे। इसके अलावा जो किसान है उन्होंने इनके साथ साथ जो भाजपा की कार्यालय है, जो भाजपा का बिजनौर में जिला कार्यालय उस पर ताला जड़ा है, जो चांदपुर की विधायक है कमलेश सैनी की उनके मकान से भी उन्होंने तालाबंदी कर दी है और उनको मकान में घुसने से रोक दिया गया है। इसके साथ साथ किसानों ने जो चांदपुर तहसील है उसमें जो है इनका तकरीबन 2 जनवरी से लगातार धरना है और आज उन्होंने उसमें तालाबंदी की है। जो कर्मचारी हैं वो बाहर बैठ के काम कर रहे हैं, मजबूर कर दिया है बिल्कुल प्रशासन को किसानों ने, ताकि वो किसानों का गन्ने का भुगतान। अब जब ये मिल प्रशासन जो है दबाव में है, जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि वार्ता चल रही है और उम्मीद है कि रात रात में कोई ना कोई निर्णय जो है वो निकल आएगा, कोई भी सूरत जो है वो बनेगी, क्योंकि सारे हथकंडे जो है किसानों ने अपना के देख लिए लेकिन मिल प्रशासन बिल्कुल नुकसान करने को तैयार नहीं है। प्रशासन ने भी जो कई बार इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और उनके घरों से भी दबिश भी दी है लेकिन अभी तक कोई सूरत ऐसी नहीं लगती, लेकिन आज का जो वार्ता चल रही है उससे लगता है कि बहुत जल्दी कोई ना कोई निर्णय। आमिर यानी कह रहे हैं कि अप्रोचिंग यहाँ पर दिख रही है कोशिशें प्रशासन की तरफ से और मे भी कहीं ना कहीं हल निकलता हुआ आगे दिख सकता है। शुक्रिया आमिर तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी गन्ने का बकाया भुगतान ना होने से किसान परेशान हैं। हरिद्वार के लक्सर में किसानों ने गन्ना अधिकारी से मिलकर बकाया भुगतान दिलाने की मांग की। यहां की लक्सर चीनी मिल पर किसानों का बीते साल का करीब 40 करोड़ रुपए बकाया है, इस साल का भी बकाया 6 करोड़ रुपए हो गया है। किसानों ने यह पैसा 10 दिनों में भुगतान करने की मांग की है। वही अधिकारियों ने भी किसानों को जल्द से जल्द भुगतान दिलाने का भरोसा दिलाया है। पिछले साल का जो 6 करोड़ तो अलग और जो 40 करोड़ के लगभग मतलब 40 करोड़ रुपए पिछले साल का बकाया रुका पड़ा, उसने कैन कमिश्नर साहब ने यह कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग इसको ना पेमेंट करा दें। इसके लिए हम लोग चीनी मिलों पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं और उसमें 31 दिसंबर तक का इन्होंने केन प्राइस भुगतान कर दिया है। हम उसमें सख्ती से कदम उठाएंगे कि किसानों का जो बकाया है वो साथ साथ इनको मिलता जाए। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि को लेकर कर्नाटक सरकार पर हमला बोला है। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य में जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के 71 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलना तय है लेकिन कर्नाटक सरकार ने किसानों की सूची ही नहीं भेजी। इन्होंने कर्नाटक के किसानों की सूची अभी तक हमें पहुंचाई नहीं है। देश भर के किसानों को हमने पैसे पहुंचाए लेकिन मैं कर्नाटक के किसानों को पैसे नहीं पहुंचा पाया, इसके गुनहगार, किसानों के दुश्मन ये आपके बेंगलुरु सरकार में बैठे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार बेरोजगारी के मोर्चे पर घिरती नजर आ रही है। आंकड़े इस साल फरवरी में बेरोजगारी की ऊंची दर की तरफ इशारा कर रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार अपने विज्ञापनों में खुशहाली लाने के दावे कर रही है लेकिन बेरोजगारी की बढ़ती दर इसकी पोल खोल रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की माने तो इस साल फरवरी में बेरोजगारी दर 7.2% हो गई, जो सितंबर 2016 के बाद की सबसे ऊंची दर है। बीते साल फरवरी में बेरोजगारी दर 5.9% थी। CMIE के मुताबिक इस साल फरवरी में नौकरी करने वालों की संख्या 40 करोड़ रही, जो बीते साल फरवरी 2018 में 40 करोड़ 60 लाख थी। बेरोजगारी दर में ये इजाफा तब हुआ है जब नौकरी मांगने वालों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। CMIE ने इसी साल जनवरी में कहा था कि 2016 में नोटबंदी और GST लागू करने के बाद लगभग 1.10 करोड़ लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी थी। इसकी वजह छोटे कारोबारियों पर पड़ा नकारात्मक असर था। हालांकि सरकार ने नोटबंदी से रोजगार घटने का आंकड़ा होने से इनकार कर दिया था।
बीते दिनों नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें 2017-18 के दौरान बेरोजगारी बीते 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर यानी 6.1% होने की बात कही गई थी। NSSO के ये आंकड़े जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच जुटाए गए थे। हालांकि इन्हीं आंकड़ों को जारी न करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी NSC कार्यकारी अध्यक्ष समेत 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि सरकार ने इन आंकड़ों को अधूरा बताकर खारिज कर दिया था। लोकसभा चुनाव मई में होने हैं, ऐसे में कृषि उत्पादों की गिरती कीमतें और बेरोजगारी की बढ़ती दर मोदी सरकार के गणित को बिगाड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो ये तो बात रोजगार की रही, अब जरा किसान की भी बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, लेकिन CSO की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की आमदनी 14 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। देखिए दावों और जमीनी हकीकत के बीच फसलों की जांच पड़ताल करती ये रिपोर्ट। हरी भरी फसलों से खिलखिलाती जमीन, फसलें उगलती जमीन और इसी जमीन के बूते ढांढस बांधते किसान, मगर आर्थिक विकास की नई नीतियों ने इन उपजाऊ जमीनों की किस्मत बिछते कंक्रीट, आकाश को छूती नई हाई राइज बिल्डिंग्स के हवाले कर दिया है। सन 71 से लेके आज तक 1 करोड़ हेक्टेयर जमीन जो उपजाऊ थी, सिंचित थी, उसको हमने डाइवर्ट कर दिया है। उसके ऊपर बिल्डिंग बन गई है, इंडस्ट्री बन गई है, और उसकी जगह अब हम खेती करने के लिए मजबूर हैं जो असिंचित जमीन है या उपजाऊ नहीं है। अब एक तो वहाँ लागत ज़्यादा लगेगी, जो हमारी बंजर भूमि है उसको ठीक करने में या उसके ऊपर खेती करने में। दूसरा, वहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से और ज़्यादा वाटर टेबल यानी जल का दोहन होगा, तो वाटर टेबल आपका और नीचे जाएगा। कृषि मंत्रालय के अधिकारी अशोक दलवाई की देखरेख में बनी एक समिति, दलवाई समिति की 7वीं रिपोर्ट इम्प्रूविंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू ऐड टू फार्मर्स इनकम में इस बात का जिक्र किया गया है कि साल 1970-71 के बाद से गैर कृषि भूमि क्षेत्र 100 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गया है। इसकी वजह बंजर होती जमीन नहीं, बल्कि उपजाऊ जमीन पर उद्योग और नई टाउनशिप लगाया बसाया जाना है। चिंता की बात है कि ज्यादा से ज्यादा बंजर और असिंचित जमीन कृषि के दायरे में लाई जा रही है। बंजर जमीन के आसपास आम तौर पर सिंचाई के साधनों की कमी होती है, ऐसे में ग्राउंड वाटर का दोहन ज्यादा होता है। इससे न सिर्फ कृषि का खर्च बढ़ता है, बल्कि उपज भी उपजाऊ जमीन के मुकाबले कम होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि के दायरे में आई नई जमीन की उर्वरता और सेहत ठीक नहीं है और इसके बारे में बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। वहीं जानकार आने वाले दिनों में इसे खाद्य सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बता रहे हैं। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी फूड सिक्योरिटी या प्रोडक्शन है वो कम होने की संभावना है। दूसरा, ये डाइवर्जन यदि हम करते चले गए तो बढ़ती हुई जनसंख्या को हम कहाँ से खिलाएंगे, और खाद्य सुरक्षा का जो मामला है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला होता है। दलवाई समिति की रिपोर्ट ये भी बताती है कि न सिर्फ कृषि भूमि घट रही है, बल्कि बंजर जमीन में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पहली नज़र में ये बात जरूर उत्साहित करती है, मगर असलियत ये है कि उपजाऊ जमीन पर उद्योग लगाने और टाउनशिप बसाने के चलते ही किसान बंजर जमीन पर खेती करने के लिए मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आपने देखा चुनावी मौसम में मोदी सरकार के लिए बेरोजगारी और किसान, ऐसे ये दो मुद्दे हैं जिनका जवाब देना मुश्किल होने वाला है। बढ़ते आगे, उत्तर भारत में पराली जलाने और पटाखों के फोड़ने से होने वाले प्रदूषण किसी से छिपा नहीं है, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये प्रदूषण हमारी अर्थव्यवस्था को सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाता है। इन्हीं सवालों का जवाब देती है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट। अमेरिकी संस्था की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर भारत, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में पराली की जलाए जाने से होने वाला वायु प्रदूषण सेहत के साथ अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। IFPRI के मुताबिक वायु प्रदूषण से सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। सांस की बीमारियां होती हैं, बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। वायु प्रदूषण के चलते सांसों की बीमारी के मामले में हरियाणा की हालत सबसे ज्यादा खराब होती है।
IFPRI के रिसर्च फेलो और शोध के सह लेखक सैमुअल स्कॉट की माने तो खराब वायु गुणवत्ता को दुनिया भर में जन स्वास्थ्य के लिए महामारी के तौर पर जाना जाता है। ऐसे में आसपास के राज्यों में पराली जलाए जाने से दिल्ली की हवा में पार्टिकुलेट मैटर का स्तर WHO के मंजूर मानक से 20 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अमेरिकी संस्था ने अपने इस अध्ययन में भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होने वाले सभी उम्र के लोगों की सेहत से जुड़ी जानकारियों का आकलन किया। इसमें नासा के सैटेलाइट से मिले आंकड़ों के आधार पर पराली जलाने वाले और इस समस्या से मुक्त इलाकों में सांस संबंधी बीमारियों का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में अस्पतालों में मरीजों से भी मुलाकात की गई। इस शोध में पराली के अलावा दिवाली के दौरान पटाखे जलाने और गाड़ियों की बढ़ती संख्या जैसे कारकों की पड़ताल भी की गई, जो सांसों की समस्या के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसकी माने तो पटाखे जलाने से होने वाला वायु प्रदूषण की चपेट में आने से लगभग 7 बिलियन अमरीकी डॉलर यानी लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अगर 5 सालों तक वायु प्रदूषण का असर ऐसा ही रहता है तो आर्थिक नुकसान 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी भारत की GDP के लगभग 1.7% के बराबर ठहरता है। यानी पराली और पटाखे से न सिर्फ सेहत के लिए आफत है बल्कि बटुए पर भी एक जबरदस्त चपत है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। लेकिन यहाँ पर सवाल सरकार पर ही उठता है कि आखिरकार किसानों को वो नीति सरकार क्यों नहीं पहुंचा रही जिसकी जगह वो पराली जलाना छोड़ दे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। स्वराज एक्सप्रेस अब टाटा स्काई पर भी उपलब्ध, चैनल नंबर 592। चूंकार अज हमा हीलते दरगुजश्त, हलालस्त बुर्दन व शमशीर दस्त। जब दूसरे तमाम रास्ते कारगर ना हो सकें, कामयाब ना हो सकें, तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है। ये कहना है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। लेकिन आज हम लोकतंत्र हैं, हमारा वोट हमारी तलवार है, हमारा वोट हमारी बंदूक है। आप हमारी ताकत हैं और हम आपकी आवाज है, बेखौफ आवाज, आजाद आवाज। विनोद दुआ लाइव सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे स्वराज एक्सप्रेस पर। बात अब केरल की, जहां बीते 2 महीने में कम से कम 9 किसानों ने खुदकुशी की है। इस चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री पी विजयन ने किसानों के लिए कई उपायों का ऐलान किया है। सरकार ने किसानों के सभी तरह के कर्जों की अदायगी पर 31 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। इसके अलावा सरकार ने राज्य कर्ज राहत आयोग के जरिए किसानों को मिलने वाली मदद को भी बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य में बीते साल आई भीषण बाढ़ से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ था। इससे परेशान किसानों की मदद के लिए सरकार ने तत्काल 85 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया है। अगली खबर बिहार से है, जहां बिहार के सुपौल में एक जंगली जानवर ने, हाथी ने, जबरदस्त तांडव मचाया। नेपाल की सीमावर्ती इलाके से आए इस हाथी ने गणपतगंज इलाके में 3 लोगों को कुचल दिया। इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। हाथी के इस उत्पात से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं हाथी को पकड़ने में वन विभाग के कर्मचारियों की वो खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आदमी को देख करके परेशान हो जाता है, उसके बाद वो अटैक करता है। लोग मानने को तैयार नहीं है कि कुछ कहा जाए तो लोग समझना चाहिए कि जंगली जानवर भटक के आ गया है, अब उसके हुजूम बनाए हुए है। वो तो आएगा ही, लोग उसका पीछा करेगा तो उसको तो हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में हमीरपुर गन्ने की पिराई करने के दौरान मशीन की चपेट में आकर एक किसान की मौत हो गई। मामला बजगवां के थाना क्षेत्र के टौरा गांव का है, जहां किसान राम स्वरूप गन्ने की पिराई कर रहे थे। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि आसपास चीनी मिल ना होने की वजह से गन्ने की खेती करने वाले किसान इसका इस्तेमाल गुड़ बनाने में करते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिला प्रशासन ने मृतक किसान के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। वहां के रहने वाले थे राम स्वरूप, जिनकी अवस्था 50 वर्ष के आसपास थी। ये अपने गन्ने की मशीन में अपनी पिराई कर रहे थे, उसी दौरान गले में पट्टा वगैरह था, कपड़ा था, वो फंस गया, जिससे इनका देहांत हो गया। और थाना मजमा द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है, और इसके अलावा और भी शासन से जो विधिक सहायता होगी वो कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा है। विदिशा में किसानों को कर्ज माफी का प्रमाण पत्र देने के मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बीते 5 सालों में केवल घोषणाएं ही की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये किसानों की कर्ज माफी आने वाले 5 सालों में होने वाले कामकाज का महज सैंपल है। विदिशा में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिले के सभी तहसीलों में गौशालाओं के लिए भूमि पूजन भी किया। जब भी कर्जा माफ होता था पहले, तो केवल डिफॉल्टर किसान का कर्जा माफ होता था, पर हमने कहा कि जो किसान पटा देता है पैसे, जो डिफॉल्टर नहीं होता उसका कर्जा भी हम माफ करेंगे। और अगले 3 दिन में मध्य प्रदेश में 25 लाख किसानों का कर्जा माफ होने जा रहा है। वही कर्ज माफी के लिए बकायेदारों की सूची जारी होने के बाद उसमें ऐसे किसानों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने कभी कर्ज लिया ही नहीं है। अब ऐसे किसान राहत पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ से आई ये रिपोर्ट। हाथों में कागज लिए ये वो किसान है जिन्हें बगैर कर्ज लिए ही कर्जदार बना दिया गया। मामला मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले का है, जहां के सालरी गांव में कर्ज चुकाने वाले किसानों के नाम भी कर्ज माफी के लिए जारी बकायादारों की सूची में शामिल हैं। कर्जा पहले लेते थे और फिर जमा करने के बाद में फिर कोई कर्जा नहीं लिया, फिर भी हमारा सोसाइटी में कर्ज माफी में नाम आया है। वो पैसा जमा करने के बाद में भी अब ऋण माफी आई, इसमें पैसा आया 20,526 रुपया। जबकि सोसाइटी का पैसे माथे नहीं था। सरकार कर्ज माफी प्रमाण पत्र वितरित कर रही है, लेकिन वो किसान अब भी परेशान हैं जिनके साथ फर्जीवाड़ा करके कर्ज की रकम को 2 गुने से ज्यादा कर दिया गया है। कितना कर्ज लिया था आपने? 16,000। कितना बताया आपको? 6,000 तो खात का। हाँ। 10,000 रुपए नगद। और कितना बताया आपको? 54,000। किसान इस फर्जीवाड़े से परेशान है तो अधिकारियों के पास जांच के आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसको हमने अभी एक का तो मैंने जो जांच करवाई उसमें ऐसा पाया गया है कि उसके ऋण बकाया था, और बाकी शेष जो है उनके संबंध में भी GMCCB को कहा गया है कि आप उसे जांच करके 2 घंटे में रिपोर्ट दें, उसके पश्चात में बता पाऊंगा। सरकार के मंत्री सहकारी समितियों और बैंकों में किसानों के नाम पर धांधली के लिए प्रदेश की पिछली BJP सरकार को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। फिलहाल किसानों को इससे अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गोविंद सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। खेती में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का बढ़ता इस्तेमाल किसानों की लागत तो बढ़ा ही रहा है, जमीन को भी कमजोर कर रहा है। इसी से निपटने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलते चलते देखिए जम्मू कश्मीर के कठुआ से आई ये रिपोर्ट। हरे भरे खिले खिले खेत और भरे पूरे उत्पाद, ये कमाल जैविक खेती का है, और इसे जम्मू कश्मीर में कठुआ के सीमाई इलाके के 2 गांव हरियाचक और छान टांडा में कामयाबी के साथ आजमाया जा रहा है। इस खेती की सबसे बड़ी खासियत बाहरी खादों पर निर्भरता का नहीं होना है। जैसे गोबर हो गया, वो एक इकट्ठा करते हैं, जैसे शेड मिले हैं उसमें डालते हैं, उसमें हमें सरकार हमें देती है कीटाणु, वो डालते हैं, उससे हमारी खाद जल्दी तैयार होती है, 2-3 महीने में खाद तैयार होती है। खाद की निर्भरता जब बाजार पर नहीं होती तो जाहिर है खाद पर होने वाला खर्च तो बचता ही है, इससे किसानों को एक नया बाजार भी मिलता है। 5-6 हज़ार रुपया तो मतलब साल का बच ही रहा है, पर एकड़ के हिसाब से
तो जो हमारी खाद ये बच जाती है हमारे से, मतलब हम अपने खेत में नहीं डाल सकते, वो हम बेच भी सकते हैं इसको। 5-10 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं हमें, जैसे हम जाते हैं मंडी, बोलते हैं ये देसी सब्जी आई है, लोकल सब्जी आई है। कृषि अधिकारी कहते हैं कि जैसे जैसे लोगों में जैविक खेती से होने वाले उत्पादों को लेकर जागरूकता बढ़ेगी, इसकी मांग भी बढ़ती जाएगी और इसके साथ बाजार कीमत में भी बढ़ोतरी होगी। कंपैरेटिवली 25-30% जो है वो इंक्रीज है ही है, वो उसमें खुद ही पता चलेगा। और लोग जो जो जागरूकता रखते हैं, पढ़ा लिखा जो तबका है, जो क्वालिफाइड तबका है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को देख के वो खुद ही वो लगाता है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन दो गांवों की देखा देखी आसपास के गांव में भी अब इस जैविक खाद की मांग बढ़ने लगी है। किसान इसे लेकर कृषि विभाग की ओर रुख करने लगे हैं। काफी ज्यादा रुझान देखने को मिला कि सर हमारे ये विलेज को भी अडॉप्ट किया जाए। केमिकल खादों पर किए जाने वाले खर्च से बचत, उन खादों से होने वाली जमीन और उपभोक्ता दोनों की सेहत को होने वाले नुकसान से बचाव और बाजार में जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग, ये सब मिलकर किसानों को जैविक खेती की ओर ले जा रहे हैं। उत्पादक, उपभोक्ता और खुद प्रकृति के लिए ये खेती किसी वरदान से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।